प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग माने रामचंद्र यादव रउआ सब देख रहा बने प्लैनेट भोजपुरी, आप लगन के स्वागत करत आनी। और आज मिलवावे लेके चलते ही आप सबके एक ऐसा अदाकारा से जिनकरा एगो बहुत अच्छी फिल्म बेहतरीन फिल्म आ रहा बा, नायिका प्रधान नारी प्रधान फिल्म बाटे जौनक नाम बाटे लज्जो, जौनक का ट्रेलर लॉन्च भइल बाटे। आ इनका से बात कर जाए नीलू शंकर सिंह जी से। नीलू जी आपके स्वागत है प्लैनेट भोजपुरी में। प्लैनेट भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को नीलू शंकर सिंह की तरफ से प्रणाम है और ढेर सारा प्यार। नीलू जी बात करी से ट्रेलर लॉन्च भइल बाटे लज्जो के, तो का कहे चाहब लज्जो के बारे में, का किरदार बाटे, के तरह से शूटिंग भइल है? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगी, हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि अभी वेब म्यूजिक द्वारा हमारा ट्रेलर लॉन्च हुआ है लज्जो का, तो दर्शक उसे देखिए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। इसमें हमारा किरदार है लज्जो, जो मेरा नाम है और फिल्म का भी नाम है लज्जो। तो इसमें मेरा किरदार यह है कि गाँव की लड़की होती है, जैसे अभी स्टोरी तो मैं नहीं बता पाऊंगी, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एकदम इनोसेंट फुल इमोशनल है, बहुत बहुत अच्छा ड्रामा है इस फिल्म के अंदर। जैसे आजकल आप लोग सुनते आए हैं, हर हफ्ते हर दिन मैगजीन में आता है, पेपर्स में आते हैं कि इस लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, बहुत सारे चीज़ें जो होती हैं, तो ये फिल्म द्वारा हम अपने दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसे देखें और जो अत्याचार हो रहा है वो रुके। खास करके ये फिल्म लड़कियों के लिए बनाया गया है, जैसे लड़कियां होती हैं जो बर्दाश्त करती हैं, बहुत सारी दुख सहती हैं, लाचार हो जाती, लेकिन नहीं, लाचार नहीं होना, हम लड़की ज़रूर है, लड़की एक घर की इज्जत होती है। कुछ लोग होते हैं उसे बेइज्जत करते हैं और गालियां गलौज करते हैं, लेकिन लड़कियाँ सुन लेती हैं। क्यों सुनती हैं? क्योंकि हम एक संस्कारू लड़की हैं कि हम किसी को पलट के जवाब ना दें, नहीं देना ज़रूरी है। अत्याचार करने वाला तो गुनहगार होता ही है, लेकिन अत्याचार सहने वाला वो ज़्यादा गुनहगार होता है। तो इस फिल्म के द्वारा हम अपने दर्शक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़की अब नहीं डर के रह सकती, डट कर रहेंगी। बड़ा अच्छा लगा आपके विचार सुन के, आपके किरदार जान के। अब हम जानना चाहें फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में और क्या कहना चाहें। जी हाँ, इनके लज्जो के डायरेक्टर हैं मिस्टर मिथिलेश अविनाश जी हैं, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं राकेश नायक जी, जो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और जैसे कि मुझे कुछ बताना चाहूँगी लज्जो के बारे में। जैसे मैंने अभी इसमें गाली दिया है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत गाली दिए हैं, गाली हम दे नहीं पाते थे। बिपिन सिंह जी जो हैं अंकल, जो इस फिल्म के मेन विलन हैं, और मिथिलेश अविनाश सर जी हैं, तो उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया कि तुम बेटा गाली दो, क्योंकि एक्टिंग तो चलो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, जो शब्द होते हैं कि हम बोल नहीं पाते, जैसे मादर चाद वगैरह। वहाँ एक दो बार मेरे मुँह से रियल गाली निकल चुका था, बट कोई नहीं। अच्छा नीलू जी, जैसे कि रोवा कहते गाली देवे के रहे, तो गाली कहाँ से सीखने? इसके पहले भी कभी रियल लाइफ में क्यों खूब जी भर के गरीब लोगानी कि खाली पिक्चर में गरियावे के मिला मौका? कैसे रास्ते में चलो, या कुछ लड़कियों को यूँ ताड़ते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कब हम, मैं तो सुनती नहीं हूँ, मैं जैसी हूँ वो इस फिल्म में दिखाया गया है, मैं एकदम बिंदास लड़की हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई अपना हो या अपना घर का हो या बाहर का हो। तो इस फिल्म में मुझे करने मिला, और गाली तो मैं देती ही हूँ, जब दूंगी, जब ज़रूरत पड़ता है। और इस फिल्म में तो मुझे बहुत सारा गाली देने का मौका मिला है, खूब पीटे हैं सभी को गाली दे देकर। ये फिल्म में जिसे लज्जो पूरी फिल्म आपके ऊपर बाटे, तो ये फिल्म खातिर का चैलेंज आपके सामने रखल गए रहे, जो न कि आपके चैलेंज एक्सेप्ट करे में का पापड़ बेले के पड़ा? जी ये तो बहुत ही मेन आपने सवाल पूछा है, बताना चाहूँगी। जैसे इस फिल्म में मेरी फाइटिंग है, फाइट मैंने किया है, कोई मतलब एक होता है ना डुप्लीकेट, कुछ नहीं है, सब इसमें रियल फाइट है इसमें। जैसे कि होता है ना कि कोई डुप्लीकेट फाइटर होता है, नो, हम लड़कियों ने इसमें खुद ही फाइट किया है। इवन जंगल में दौड़ना, वो पहाड़ों के बीच में धूप, इतना सारा कड़कती धूप, गर्मी, मतलब बहुत सारी चीज़ की दिक्कत हुई थी, लेकिन
इसमें मैंने फाइट किया है जो मैंने अभी तक पिछले 5 फिल्मों में नहीं किया, इस फिल्म में मैंने बहुत फाइट किया है। फिल्म 29 जून को रिलीज़ हो रही है बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में। तो अपने दर्शकों से कहेंगे, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ देखने जाइए और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए लज्जो को। Planet Bhojpuri.